कई बार लगता है इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, उसकी लाइफ बहुत खूबसूरत है, उसकी लाइफ तो और भी खूबसूरत है, वो अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहा है, वो और भी इंजॉय कर रहा है, वो तो सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। और अपनी लाइफ में बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं, और कहा जाए तो अपनी लाइफ कहीं से भी प्यारी तो लगती नहीं है, और खूबसूरत दिखना सो बहुत दूर की बात है। सो फ्रेंड्स, आज का विषय यही है कि अपने जीवन को किस तरीके से खूबसूरत बनाया जाए। फ्रेंड्स, जो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं ले रही हूँ कि ये जो हैप्पीनेस नाम की चीज़ है, जिसे कहते हैं ना कि खुशियाँ कोई और हमारे लिए बटोर कर नहीं लाने वाला, कोई हमें खुश करने नहीं आने वाला। द थिंग इज दिस कि मूड अगर अपना खराब है, चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी नहीं हो रही हैं, सो किसी दिन वक्त निकाल कर अपने आप को टाइम दें और देखें कि कहाँ से खुशियों को तलाशा जा सकता है, किस तरीके से जो खुशियाँ आपकी लाइफ से रूठ गई हैं उनको कैसे वापसी बटोर कर या नई खुशियों को कैसे क्रिएट करके खुद को खुश रखा जा सकता है। सेम वे फ्रेंड्स, कई बार हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, तभी अच्छा अच्छा हमें सुनने को मिलता है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हम ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जिनसे हमें लगता है कि यस यही इतिशियाँ और लाइफ में खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, सो ये सारी की सारी जो वजह है वो हम स्वयं में हैं, लोग आसपास सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं। सो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी टेस्टिंग करनी ज़रूरी होती है। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर गुस्से में व्यक्ति है सो वो उस समय सही अल्फाज व्यक्त कर रहा होता है, यानी कि वो अपने दिल की बात बोल रहा होता है। सो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं, सो आपको वो जो तथ्य हैं या वो जो फैक्ट्स पता लग रहे हैं वो भी सुनने जरूरी होते हैं कि यस कहीं ना कहीं मुझसे कोई कमी तो नहीं रह रही है, या कहीं ना कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं गलत व्यक्ति पर ट्रस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस की बात आ रही है, इसको अजमाकर जरूर देखिए। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि हमारा समय भी आएगा, हर एक का समय आता है, हर एक के नसीब में खुशियां भी होती हैं और दुख भी होते हैं, यानी कि ये जो उतार चढ़ाव है वो चलते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी खुशियां नहीं है सो इसका मतलब ये नहीं हम अपने द्वार ही बंद कर दें और हम खुशियों का वेट ना करें और उसका वेलकम ना करें। सो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो चीज़ें अटकी पड़ी हैं वो भी सही होंगी, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको खुशियां भी नसीब होंगी। सो दरवाजा खुला रखिएगा। एंड द सेम वे फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारा पिछला दिन अगर अच्छा नहीं गया होता है या दिन अच्छे नहीं चल होते हैं, सो हम अपने आज की जो शुरुआत होती है उसको भी अपने जो टूटे हुए कल से शुरुआत कर रहे होते हैं, यानी कि फिर से हम सुबह-सुबह वही सारी चीजें जो हमारी लाइफ में अच्छी नहीं हो रही होती उनको सोच रहे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने दिन को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, जो चीजें बेकार चल रही है वो तो चलती ही रहेंगी, उसमें तो कुछ अभी आप कर नहीं सकते हो, बट एटलीस्ट जो नया दिन आपका स्टार्ट हुआ है उसको तो नई स्माइल के साथ और नई होप के साथ शुरू करिए। एंड फ्रेंड्स, कहीं अगर आप वर्किंग है सो इस चीज तो आप दिमाग पर बिठा लीजिएगा कि वर्क प्लेस में हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता, और हर कोई तो छोड़िए, हो सकता है आपका कोई भी दोस्त ना हो। फ्रेंड्स, ये चीज अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और जितनी जल्दी जान जाएंगे उतने आप खुश रहेंगे, यानी कि आपको लोगों की छोटी छोटी फालतू की वाहियात बातें बुरी नहीं लगेंगी, लोगों के फालतू के मजाक आपको बुरे नहीं लगेंगे, लोगों के ओछे बिहेवियर्स आपको बुरे नहीं लगेंगे, और आपको भी पता लग जाएगा कि इन ओछे लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है। यानी कि हर कोई दोस्त नहीं हो सकता, दोस्त होने की तो बात छोड़िए, हर कोई दोस्त होने के लायक भी नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपका फंडा अपने दिमाग में क्लियर है सो सर्टेनली यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, जॉब का एक फंडा और होता है कि आप काम कर रहे हैं, दिल लगाकर काम करिए, मन लगाकर काम करिए, और काम करने के बाद आप घर आ जाइए, यानी कि घर आकर आपको ऑफिस की जो बातें हैं, ऑफिस की जो परेशानियां हैं, ऑफिस की जो दिक्कतें हैं उनको दिल पे सवार नहीं होने देना है। ऑफिस तो आपके साथ भी चल रहा है, और कल आप नहीं होंगे तो ऑफिस आपके बिना भी चलेगा, लेकिन खुद पे दिल की बीमारियां लगाना मुनासिब नहीं है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लाइफ का जो फंडा जो मैं अपनाती हूँ, केयर आप उनकी जरूर करिए जो आपकी केयर करते हैं, पसंद उनको जरूर करिए जो आपको पसंद करते हैं, अपना सारा प्यार उन पर जरूर लौटाइए जो आपको प्यार करते हैं। सो फ्रेंड्स, बात वही आ रही है कि हम कद्र उसकी ज़्यादा कर रहे हैं जो हमारी कद्र कर रहा है, क्योंकि कई बार जाने अनजाने हमसे ये गलती हो जाती है कि खुशियाँ हम बाहर तो तलाश रहे होते हैं लेकिन जो हमारे आसपास ही खुशी होती है उसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने आसपास जो खुशियाँ हैं, अपने आसपास जो अच्छे अच्छे लोग हैं, फर्क करिए, उनको वैल्यू दीजिए, उनको तवज्जो दीजिए, और फिर देखिए कि आपकी खुशियों
में किस तरीके से इजाफा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लाइफ है, ये दुनिया है, हम चलते जाते हैं, दुनिया भर के लोग हमसे मिलते जाते हैं, कुछ लोग मिलते जाते हैं, कुछ लोग हमसे हाथ छुड़ाकर चलते जाते हैं और कुछ हमसे ऐसे ही बिछड़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, टोटालिटी में बात समझने वाली ये है कि हर कोई हमें पसंद करे, ये कैसे पॉसिबल है? हम ना तो कोई साधु संन्यासी हैं और ना ही कोई भगवान है। सो हर किसी की पसंद में हम खरे उतरे, कैसे पॉसिबल है? फ्रेंड्स, पसंद किसी के हम हैं नहीं हैं वो बात अलग है, लेकिन खुद से हम अपनी पसंद हैं कि नहीं है, ये मैटर जरूर करता है। फ्रेंड्स, होप आप वीडियो की जस्ट समझ गए होंगे और अपनी खुशियों के लिए, और अपनी खुशियां हैं तो भी और खुशियां नहीं भी हैं, किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे, खुद से खुद की खुशियां तलाशने की स्वयं से कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कौन से पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताए। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।